नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। बदलेंगे अंग्रेजों के जमाने वाले कानून, गृह मंत्री अमित शाह बोले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह नए विधेयक जल्द होंगे पारित। भारत बनाम इंडिया का विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ निराश लोग देश की पहचान भारत करने को लेकर विवाद पैदा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत हमारे देश का नाम है। एनआईए अदालत का बड़ा फैसला, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को सुनाई 10 साल के जेल की सजा। असम में अब दूसरी शादी करना होगा मुश्किल, 58 वर्ष पुराना कानून सख्ती से लागू करेगी हेमंत विश्व शर्मा सरकार। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 26 साल बाद 10 साल की मिली सजा, 5 लाख का जुर्माना भी देना होगा। दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के शूटर कुलवंत को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किया। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। इसराइली हमले में अल जजीरा के पत्रकार की पत्नी और बच्चे की मौत पर बोले पत्रकार, कहा रिपोर्टिंग करना अब भी रखेंगे जारी। पाक अदालत ने सिफर मामले में इमरान खान की जमानत और पुरानी एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज, इमरान खान ने कहा मुझे जेल में मारने की जा रही है कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में तुलसी पीठ के जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य से भेंट की। इस दौरान जगत गुरु काफी भावुक दिखाई दिए, उन्होंने मिलते ही प्रधानमंत्री को गले से लगा लिया। इसके बाद पीएम उन्हें उनके आसन तक ले गए। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री को दूरसंचार के क्षेत्र में उनकी कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन में आरएसपुरा सेक्टर के पास हो रहे गांव में कई शादियां प्रभावित हुई। इस दौरान लोग रीति रिवाज में बदलाव के साथ ही बिना दावत खाए ही सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। वहीं पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए, जबकि कई घरों को नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक शिलापट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाइस चांसलर का नाम लिखने को लेकर विवाद हो गया है। शिला पर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम नहीं था और टैगोर ने ही यूनिवर्सिटी की स्थापना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में की थी। पुणे में चालान काटने से गुस्साए भारतीय सेना का जवान, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर पत्थर से किया हमला। गुजरात के साबरकांठा में एफडीसीए की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख रुपए की नकली दवाइयां की जब्त, बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक भी हुआ बरामद। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुराने पेंशन योजना, महिला को 10,000 रुपए सहित राजस्थान कांग्रेस ने किए 7 चुनावी वादे, सीएम गहलोत बोले जीत हमारी होगी। धनिया की पत्तियों में चिकित्सीय गुण भरपूर रूप से होता है, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, थायमिन, फास्फोरस, विटामिन सी और विटामिन के जैसे पोषक तत्व तो भरे होते हैं। धनिया ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में मदद करता है, साथ ही रक्त में यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के स्तर को भी कम करता है। इसे आप सब्जी में डालकर या चटनी के रूप में सेवन कर सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द में भी काफी लाभदायक होता है। एनटीपीसी ने 50 एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 10 नवंबर तक आधिकारिक भर्ती पोर्टल careers.ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज पंजाब के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने उन्हें बधाई देते हुए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में और नौकरियां निकाल रहे हैं, इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आशा वर्कर्स के बाद हरियाणा में धरने पर अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आ गई हैं, जहां काली चुन्नी ओढ़कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा था कि इस बार दीपावली पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वह पैसे अभी तक हमें नहीं मिले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी संग केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक कर देश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की।
झारखंड के पूर्व मंत्री व डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके कृष्णानंद त्रिपाठी इन दिनों चतरा लोकसभा सीट से चुनाव की तैयारी को लेकर जनसंपर्क अभियान पर हैं, जहां दौरे के क्रम में कुलदा प्रखंड पहुंचने पर स्वयंसेवक संघ के लोगों ने उनका जोरदार समर्थन किया और कहा कि आप चाहे किसी भी पार्टी से आए, हम लोग जोरदार समर्थन आपके झोले में समर्पित करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले महीने नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भाजपा ने अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव के खिलाफ राजेश अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और दोनों ही नेता यहां के दिग्गज माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। शिमला के अस्पताल में उनके पेट में संक्रमण के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें एम्स ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।